ये पौधा आप देख रहे हैं, ये भी जो है सो इस पौधे का नाम है प्लास। प्लास का पौधा जो आपको बहुत कम मिलता है और इसका उपयोग जो है वो आपको पूजा पाठ यज्ञ में नवग्रह का लकड़ी में इसको माना जाता है, जिसे मैं सोचा कि आज आप लोगों को वीडियो के माध्यम से दिखा दूं जो प्लास का पौधा कैसा होता है, प्लास का पत्ता कैसा होता है। देखिए मैं अपने यहाँ हर प्रकार के पौधा को अपने बागवानी में लगाया हूँ, अपने ज़मीन में लगाया हूँ, और जो मैं बारी बारी से आप लोगों को अपना अनुभव शेयर करता हूँ। देखिए ये सब जो है सब तो आपको अपना लगा के रखे हुए हैं इसीलिए, नहीं तो कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे अभी अब दुर्गा पूजा आने वाला है, दुर्गा पूजा शुरू हो रहा है, तो इसमें जो होम होगा उसमें जो है सो नवग्रह के लकड़ी में इस प्लास के लकड़ी का भी बहुत बड़ा महत्व है और ये होना ही चाहिए। इसलिए कि हम लोग तो अपने यहाँ सब कुछ का पौधा ला के रखे हैं, जो बारी बारी से आपको सबका वीडियो दिखाएंगे। ये वीडियो इसलिए मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि आप लोग इसको पहचानें और आपके पास में जगह है तो इसको लगाएं। आजकल तो हर घर में पूजा पाठ होता है, अब घर में जो है जग जाप होता है, अगर आपके यहाँ रहेगा नहीं तो आपके अड़ोसी पड़ोसी में भी कहीं काम होता है तो लोग मांगने के लिए आते हैं, और हम लोग यहाँ है जो आता है कि हमको नवग्रह में कोई लकड़ी चाहिए तो हमारे यहाँ तो दो तीन प्रकार का लकड़ी है, मैं उनको देता हूँ। पहचान लीजिए ये दुर्गा पूजा है, इसमें नवग्रह में जो है सो प्लास का जो लकड़ी होता है उसका बहुत महत्व होता है, नौ ग्रह के लिए नौ लकड़ी होता है, इसमें एक लकड़ी प्लास का पेड़ का भी लगता है। देखिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज जो मैं आपको वीडियो पहले दिखाया हूँ उसका नाम है प्लास, और प्लास का जो पौधा है ये कोई सब्जी नहीं है चाहे कुछ नहीं है, ये धार्मिक चीज़ है, और ये प्लास जो है सो नवग्रह का लकड़ी है, और कोई भी पूजा पाठ में अगर हम हवन करते हैं उस हवन में सबसे पहला जोड़ी नवग्रह लकड़ी का होता है। जो आज मैं पहला बार आपको प्लास के बारे में बता रहा हूँ, और बाद में मैं जितना नवग्रह लकड़ी है उसके बारे में धीरे धीरे आपको मैं जानकारी दूंगा, हर लकड़ी के बारे में मैं जानकारी दूंगा, और ये सभी मैं अपने यहाँ लगाया हुआ हूँ ताकि जो धर्म से भी जुड़े हुए हैं, जो पूजा पाठ भी करते हैं, उनके लिए ये प्लास का लकड़ी कैसे खरीदना पड़ता है। तो दोस्तों हर जगह कोई हवन होता है तो मान लीजिए उसमें जो आपको हजाम होता है उसका काम रहता है लकड़ी खोज के लाना, फिर भी हम जो हैं तो मान लीजिए अपना जमीन में प्लास का पौधा लगाए हुए हैं, और कोई भी हवन होता है, मान लीजिए अभी दुर्गा पूजा आने वाला है, दुर्गा पूजा के जिस दिन विजयादशमी होता है उस दिन हर घर में जो दुर्गा पाठ करते हैं उस घर में जो है सो हवन का कार्यक्रम होता है, हवन लोग करते हैं। इसलिए आप सबसे पहले तो अगर मान लीजिए कि प्लास के पौधा को नहीं पहचानते हैं तो मैं वीडियो में आपको दिखाया हूँ, आप वीडियो से भी देख सकते हैं कि प्लास का पेड़ प्लास का पौधा कैसा होता है, उसका पत्ता कैसा होता है, सबसे तो पहले ये पहचान जाइएगा। साथ ही अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए,
और ये जानकारी मैं इसलिए देता हूँ कि अगर आपके पास में जगह है तो थोड़ा थोड़ा, ये जयरे दाम का पौधा सब है नहीं, अगर आपके पास में जगह है पौधा लगाने का, अगर आप पौधा लगाइएगा तो आपके साथ साथ जो है ना, तो अगल बगल जो आपका समाज है, चाहे आपका परिवार में जो 10 आदमी हैं, कोई भी हवन करते हैं, कोई भी पूजा पाठ करते हैं, उसमें वो लकड़ी काम आ जाता है, जिससे भी आपको भी कम से कम बेनिफिट है, वो जो है फल आपको भी मिलता है, ऐसा बात नहीं है। इसमें धार्मिक जो है सो बातों से जुड़ा हुआ है ये पौधा। ये पौधा जो है सो आपको हर किसी भी ढंग का जो हवन होता है उसमें नवग्रह का जो होता है, नवग्रह का लकड़ी में, जिसमें एक लकड़ी पलाश का भी है। मेरे नज़र में तो अभी हम लोग पलाश का ही जानकारी जो है वो तो सिर्फ हवन के लकड़ी में जानते हैं, इससे आगे उसका क्या और महत्ता है ये तो मुझे अभी जानकारी नहीं है। और मैं आपको बताया हूँ, दिखाया हूँ पलाश का पेड़ कैसा होता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ ये सब पौधा कोई बड़ा नहीं होता है, कोई ज़्यादा जगह नहीं लेता है, थोड़ा भी जगह रहता है तो आप उसमें ये पौधा सबको लगा सकते हैं। और मेरा कोई भी जानकारी इसलिए रहता है कि आप तक ये जानकारी मैं पहुँचाऊँ, अगर कोई जान के भी नहीं कर पाता है, कहीं जमीन है उनको जानकारी नहीं है तो वो नहीं लगा पाता है, इसलिए मेरा कहना है कि अगर आपके पास में अगर जमीन है तो आप हर ढंग के पौधे को लगाइए, ताकि वो धार्मिक से जुड़ा हुआ हो या सब्जी से जुड़ा हुआ हो या फूल फल से जुड़ा हुआ हो, जिसके पास में जमीन है जगह है वही आदमी लगाएंगे। अब जहां मार्केट में मान लीजिए जगह नहीं है वहां नहीं लगा पाएंगे, पौधा तो हर जगह उपलब्ध है, लेकिन उसको सबसे पहला बात है कि लगाने का जगह होना चाहिए। तो दोस्तों आपसे मेरा निवेदन रहता है कि अगर आपके पास में जगह है तो आप निश्चित रूप से ऐसा ऐसा पौधा लगावें। जो ये पौधा भी है वो बहुत कीमती पौधा सब है, बड़ा बड़ा जो हवन होता है तो उसमें बहुत सारे चंदन के लकड़ियाँ, पलाश के लकड़ियाँ का जरूरी होता है। यदि आप खोज के भी समय में खोजना चाहिएगा तो आपको जल्दी नहीं मिलता रहता है। कोई ऐसा हवन है जो आपको पलाश का चाहिए जो कि आपको नहीं मिलता रहता है, ऐसे में अगर आपके पास में पौधा रहेगा तो आपके साथ साथ आपके अगल बगल, मान लीजिए कि आपके कर कुटुम्ब जो हुए, जो अतिथि हुए, उनके यहाँ भी अगर कोई ऐसा कार्यक्रम होता है, अगर आपके यहाँ है तो उनको भी सहूलियत होगा। और ये पौधा जो है सो बहुत अच्छा पौधा है, पूजा पाठ से जुड़ा हुआ पौधा है, इसीलिए ऐसा चीज करना चाहिए ताकि आपके साथ सबको धर्म हो, और ये धर्म से जुड़ा हुआ पौधा है पलाश का। तो दोस्तों आज का वीडियो मैं यहीं विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मेरे सभी प्यारे भाइयों और बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप जहाँ भी हैं खुश रहें, सुरक्षित रहें।